ये ओडिशा का गजपति जिला का जिला मुख्यालय पाल्ला खमुड़ी से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पर है और भुवनेश्वर से ये जगह तकरीबन 320 किलोमीटर पर है। यहाँ पर आप दोनों बस और ट्रेन से आ सकते हैं। ये प्लेस गजपति महाराजा कृष्णचंद गजपति ने 1835 में बनवाया था और अभी ये उड़ीसा सरकार की निगरानी में है। तो चलो घूमते हैं ये जगह और देखते हैं कैसे बनाया था उस टाइम और कैसा है ये जगह अभी। फ्रेंड्स, ये है पैलेस की मेन गेट। मेन गेट से पैलेस और पैलेस के सामने से ऐसे एक ब्लॉक टाइप रोड गया है। ऐसे तो पैलेस की चारों तरफ घने जंगल में भरा हुआ है। एंट्रेंस के जस्ट राइट साइड थोड़ा आगे बड़े बड़े पेड़ के साथ जगह को पूरा कंक्रीट किया गया है, जहां पर आप वॉकिंग, एक्सरसाइज और बैठने की भरपूर मजा ले सकते हैं। अक्टूबर 2018 को यहां पर तितली साइक्लोन के काफ़ी इफेक्ट पड़ा था, तब से ये बड़ा बड़ा पेड़ गिरा पड़ा है। मुझे लगता है तब से शायद इस जगह को कोई ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन पहले ये जगह काफ़ी सुंदर था। थोड़ा आगे चलने पर रास्ता के लेफ्ट साइड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा एक नया रिफ्रेश रूम बनाया गया है। लगता है ये अभी अभी बनाया गया है, लेकिन ये देखिए यहाँ का हालत। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ खाली पड़ा है, लेकिन एक अच्छे डिजाइन से बनाया गया है। देखिए कितना अच्छा और कितना खास डिजाइन से ये रिफ्रेश रूम बनाया गया है। चलो आगे चल के देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे रोड के लेफ्ट साइड एक ओपन थिएटर बना हुआ है। देखने से पता चलता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ बनवाया गया है। ये कुछ खास मकसद से बनाया गया था, लेकिन किसी कारण ये सब खाली पड़ा है। ये है सामने से पैलेस जो महाराज कृष्णचंद्र गजपति ने 1835 में बनवाया था, और ये है पैलेस की ठीक सामने एक हनुमान जी की मंदिर जो कि महेंद्रतनया नदी के किनारे पर स्थित है। लगता है ये मंदिर अभी अभी बनाया गया है। महेंद्रतनया नदी और हनुमान मंदिर के बीच एक फूड ट्रक है, यहाँ पर आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन इसको देखने से पता चलता है कि काफी दिनों से इसको कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महेंद्रतनया नदी के ठीक उस पार आंध्र प्रदेश की सीमा स्टार्ट हो जाता है। अभी अप्रैल में की महीना पर ये देखिए यहाँ पर महेंद्रतनया पूरा खाली पड़ा है, जहाँ पर कबूतर भी पानी पीने के लिए नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, गजपति जिले की पाल्ला खमुड़ी में स्थित वृंदावन प्लेस, ये महेंद्रतनया नदी के तट पर खड़ा है। ओडिशा की गजपति जिला भुवनेश्वर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। ये महल अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट फेलोस चिस्लोम इस रॉयल पैलेस को निर्माण किए थे।
ये मॉल अभी इनके निगरानी में है। ये मॉल घुमाने के लिए ये पर हेड 10 रुपीज लेते हैं। 10 रुपीज देकर आप इस मॉल के पूरे चारों तरफ देख सकते हैं। अभी चलो देखते हैं इनके साथ ग्राउंड फ्लोर एंड स्विमिंग पूल। ये देखिए सामने से ग्राउंड फ्लोर के लिए रास्ता। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे ग्राउंड फ्लोर तकरीबन 8 फीट के ऊपर महल खड़ा है। यहाँ से एक गुप्त मार्ग है जो महाराज के मुख्य घर से जड़ता है। यह महल एक 3 मंजिला की संरचना है जिसमें एक गुप्त हॉल और एक गुप्त मार्ग है जो महाराज के मुख्य घर से जड़ता है। ऐसा माना जाता है कि राज परिवार द्वारा इस गुप्त मार्ग का इस्तेमाल दुश्मनों से हमला के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। अभी हम जाएंगे नीचे, ऊपर से नीचे जाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड जो दरवाज़ा था खुला नहीं। अभी मैं आपको किले की स्विमिंग पूल दिखाऊंगा। मैं सोचा था बड़ा स्विमिंग पूल होगा लेकिन देखिए ये डोर से, ये है स्विमिंग पूल जहां पर बिना इलेक्ट्रिक बिना पंप के पानी हर समय रहता था। किले को यूरोपीय स्थापत्य कला शैली से प्रभावित किया गया था। ये देखिए पीछे की तरफ। अभी देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ, ये है बाथरूम जो यूरोपीय स्टाइल का है और ये है रूम, कितना बड़ा बड़ा रूम देखिए। ये है दरवाज़ा, सूर्यवंशी सूर्य। ये देखिए गम्बुज से सीधा। अभी हम चलते हैं पूरा ऊपर की तरफ। ऊपर को जाने के लिए एक लोहा से बनाया गया सीढ़ी है जहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। ये देखिए पूरा चारों तरफ, पैलेस की चारों तरफ हरे भरे पेड़ से घिरा हुआ है और तितली के प्रभाव से काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पर गिरा पड़ा है। ये देखिए ऊपर से पैलेस की चारों तरफ कितना सुंदर है। ये देखिए पहाड़, ये जो आप देख रहे हैं पहाड़, ये आंध्र प्रदेश की एरिया में आता है। ये पहाड़ महेंद्र तनया नदी के उस पर आंध्र प्रदेश की सीमा और इस पर उड़ीसा की सीमा। कितने सुंदर से बनाया गया है महल को। ऐसे तो ये उड़ीसा टूरिज्म के अंदर आता है लेकिन इसको जितना गुरुत्व देना चाहिए उतना गुरुत्व इसको नहीं मिलता है। अगर आप कभी राजस्थान जाओगे तो देखोगे काफ़ी सारे किले को सरकार ने टूरिज्म के लिए मेंटेन करके काफ़ी सारे रेवेन्यू इनकम कर रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो सरकार से गुजारिश है कि इसको भी ध्यान दे और मेंटेन करके रखे ताकि रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ ओडिशा या ओडिशा बाहर के लोगों को भी पता चले कि ओडिशा में भी ऐसे स्थापत्य कला का भंडार है। ओडिशा भी एक ऐसे स्थापत्य कला की राज्य है। तो ये था फ्रेंड्स, ये प्लेस
अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए उड़ीसा का ऐसे ऑनेस्ट ग्रोथ लोकेशन का वीडियो इस चैनल में लाता रहता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, जय जगन्नाथ।